इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2019 में बॉलीवुड सितारों ने बिखेरा जलवा। करण जौहर, जोया अख्तर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस राधिका आप्टे समेत कई सितारे इस शो में शामिल हुए। फैंस के लिए है एक विजुअल ट्रीट। हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मनाली के लिए रवाना हुए थे फॉर द शूटिंग ऑफ ब्रह्मास्त्र और वहां इन्हें मिला एक वार्म वेलकम और इनकी फैंस के साथ कई तस्वीरें हुई वायरल। हैव अ लुक। फिल्म पति पत्नी और वो का गाना अखियों से गोली मारे से काफी नाराज है गोविंदा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा के करीबी ने डेक्कन क्रॉनिकल से बात करते हुए बताया है कि उन्हें अखियों से गोली मारे का रिमेक्स वर्जन पसंद नहीं आया है। गोविंदा के मुताबिक कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे गाने के पेस से वाकिफ नहीं थे और उन्हें पता ही नहीं था कि गाने का रिदम क्या है। साल 1998 में रिलीज हुई फिल्म दुल्हे राजा का गाना अखियों से गोली मारे काफी फेमस हुआ था। इसमें गोविंदा और रवीना टंडन की केमिस्ट्री बेहद पॉपुलर हुई थी। अब पति पत्नी और वो में इसी गाने का रिमिक्स वर्जन है। रानी मुखर्जी फंस गई बड़ी मुसीबत में। रणवीर सिंह का कुर्ता पहनने को लेकर ट्रोल हो गई रानी। रानी मुखर्जी का ये ड्रेस देख लोगों को रणवीर सिंह का ड्रेस याद आ गया जो उन्होंने अपनी एनिवर्सरी पर पहना था। फैंस ने किया कमेंट। बिग बॉस सीजन 13 के एक्सटेंड होने की खबर से जहां एक और फैंस में एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट है, वहीं होस्ट सलमान खान भी है बेहद खुश, क्योंकि मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक हर एपिसोड के लिए सलमान 2 करोड़ एक्स्ट्रा ले रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने साफ कर दिया था कि वो अपने बाकी कमिटमेंट्स के चलते बिग बॉस में जरा सा भी अतिरिक्त समय नहीं देना चाहते हैं। हालांकि मेकर्स पे चेक के जरिए सलमान को मना पाने में कामयाब रहे हैं। फिल्म थलाइवी में स्वर्गीय जयललिता जैसे दिखने के लिए बेशक कंगना ने खूब मेहनत की है। इसी के चलते खबर आज सामने आई कि कंगना ने रोल के लिए वजन बढ़ाया और हार्मोन पिल्स लिए। फिल्म में जयललिता के जीवन के कई फेज दिखाए गए हैं, जिसमें उनके एक्ट्रेस करियर से लेकर राजनीतिक जीवन शामिल है। ऐसे में कंगना को पहले एक्ट्रेस वाले फेज के लिए पतला रहकर ही शूट करना था और दूसरे फेज में वजन बढ़ाना जरूरी था। थलाइवी लुक को लेकर कंगना रनौत का सोशल मीडिया पर कई मीम्स देखने को मिले। अब उनके लुक के सपोर्ट में उनकी बहन रंगोली चांडिल आई है। रंगोली ने उन सभी सोशल मीडिया ट्रोलर्स को जवाब दिया है। ट्विटर पर एक फैन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, अगर किसी के पास आंखें हैं तो वो प्रोस्थेटिक के काम की ब्रिलियंस को देख सकता है। बाकी समोसा गैंग तो अपना काम कर ही रहा है, जो दिन को रात और रात को दिन कहते हैं, जिनका कोई महत्व ही नहीं है। थलाइवी के लिए भरतनाट्यम सीख रही है कंगना रनौत। बहन रंगोली ने वीडियो शेयर किया। हाल ही में फिल्म से कंगना का पहला लुक सामने आया था। कंगना अपनी आने वाली इस फिल्म थलाइवी में अपनी भूमिका के लिए कड़ी मेहनत करती नजर आ रही है। दीपिका पाडुकोण ने आलिया भट्ट की शादी का राज खोल दिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान विजय देवरकोंडा ने कहा कि दीपिका और आलिया पर उनका क्रश था, लेकिन दीपिका की शादी हो चुकी है। इसके बाद जैसे ही वो आलिया को लेकर बोलने लगे, तभी दीपिका ने कहा कि अब उनकी शादी होने जा रही है। इस पर आलिया हैरान रह गई और दीपिका से पूछ बैठी कि आखिर उन्होंने ऐसे अचानक क्यों घोषणा की। इस पर दीपिका हंसने लगी और कहा कि बस उन्होंने ऐसे ही कह दिया, वो बस उनका रिएक्शन देखना चाहती थी। कार्तिक आर्यन को चीटर कहते नजर आई भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे। वीडियो हुआ वायरल। बहुत बुरी तरह से हरा है, इतना बुरा हरा है कि ये लोग शॉक में जा चुके हैं और डांस सीखना चालू कर दिया, जो कि उन्हें फिर आता नहीं है। और डीन का भी बड़ा हाथ था। डीन का बहुत बड़ा हाथ था मुझे जिताने में। डीन बहुत ही प्यारी, क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द ईयर।
ठीक है, ये अच्छी चीज बोली आपने और मुझे बहुत मजा आया। मैं 30 मार्च का हूँ और ये आगे ये हारे देखा आप लोगों ने कैसे पागल हो चुके हैं ये। क्या बोल रहे हो आप लोग?